ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दहिसर मोरी स्थित ठाकुरपाड़ा में फॉरेस्ट विभाग ने कार्रवाई कर लगभग 100 से भी ज़्यादा घरों को तोड़ दिया है। दहिसर मोरी स्थित पहाड़ी से लगकर ये ठाकुरपाड़ा इलाका है जहां कार्रवाई की गई है। इस जगह पर ज़्यादातर चौल बने हुए थे और लोग यहाँ पर करीब 6 से 7 वर्षों से रहा करते थे। ज़्यादातर उत्तर भारतीय यहाँ पर थे। इनका आरोप है कि बिना कोई नोटिस दिए हुए कार्रवाई की गई है, लोगों को घरों से बाहर निकाल कर घरों को तोड़ा गया है। लोगों का आरोप ये भी है कि अगर ये अवैध था तो जब बिल्डर इसे बना रहे थे तब कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। इसमें लोग जब रहने के लिए आते हैं तो इसे अवैध बताकर कार्रवाई की जाती है। ठाकुरपाड़ा के बेघर हुए लोगों ने क्या कुछ कहा है। ये जमीन असल में महाराष्ट्र शासन का जगह है और जो भी बिल्डर है जिन लोग ने इनको रूम बेचा है उन लोग को अच्छी तरह से मालूम था कि महाराष्ट्र शासन का जगह है, फिर भी ये गरीब लोगों को गुमराह करके उन लोगों ने यहाँ पर जगह धोखेदारी से उनको दी गई है। और कल जब कार्रवाई हुआ तो ये गरीब लोगों की यही डिमांड थी कॉरपोरेशन के ऑफिसर से कि हमको टाइम दिया जाए खाली करने के लिए, या बगैर नोटिस हमारे रूम आप खाली नहीं कर सकते। तो कॉरपोरेशन के अधिकारी लोगों ने कोई बात इनकी सुनी नहीं है और इन लोग ने ये भी डिमांड की थी कि ये जगह का पहले सर्वे करो, गवर्नमेंट सिटी सर्वे होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने अभी देखा एक लेडी का घरपट्टी पिंपरी ग्राम पंचायत का है, इससे ये बात जाहिर होती है, मतलब क्लियर हो जाती है कि उसका जो जगह है वो थाना अधीन है अपने, तो कॉरपोरेशन से उसके प्रॉपर्टी का कुछ भी लेन देन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉरपोरेशन के ऑफिसर ने समझना मांगती थी और बाद में कार्रवाई करना चाहिए थी। कार्रवाई के लिए हमारा किसी तरह का विरोध नहीं है, लेकिन कार्रवाई का एक प्रोसीडिंग होता है, वो प्रोसीडिंग के हिसाब से कार्रवाई होना चाहिए। ये तो पुलिस फोर्स का सहारा लेके खाली गरीब लोगों के ऊपर अन्याय करने का काम कॉरपोरेशन ऑफिसर के तरफ से हुआ है। तो मैं एनसीपी कार्यकर्ता हूँ इधर का, यहाँ पे अंदाज से मेरे हिसाब से 100 घर तोड़े गए कल के दिन में, क्योंकि 2 JCB लगाए थे उन लोगों ने और 25-30 लोगों का उन लोग का स्टाफ था कल के दिन में। लेकिन हम लोग जो है इसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करने वाले हैं कॉरपोरेशन के अगेंस्ट में, कि जिस तरह से के कार्रवाई करने का एक प्रोसीडिंग होता है उसको उन लोगों ने फॉलो नहीं किया है और ये गरीब लोगों को बारिश के दिनों में बेघर किया है। तो उस चीज़ को लेके हम लोग जल्द से जल्द इन लोग के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करेंगे। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, हम गरीब हैं, हमारे घर तोड़ के गए, हमने उनको बोले जो आप लोग घर तोड़े, हमको नोटिस दिया, हमको 4 दिन पहले बोलो तो वो बोले नहीं, वो बोलते क्या आप क्या इधर का मतलब इधर का कुछ सर्वे का कुछ ये निकाले, बोले भाई हम तो मालूम है हम गरीब हैं, हमारे को ऐसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? मेरे को यहाँ पर कम से कम 7 साल हो गए रूम लेके, मैं रेंट के आया है 5 साल हो गया, मैं अकेली यहाँ पर कोई नहीं रह रहा था, तब से मैं यहाँ पर अकेली रह रही हूँ। मेरे छोटे मोटे चाय का धंधा है वो बेच के मैं अपना घर चला रही, पेट चला रही बच्चे का। तो मैं ऐसे करके साहब लोग तोड़े तो हम बोले तो भी साहब लोग सुने नहीं, हमको हाथ पकड़ के घर से बाहर निकल दिया। हमारे सब घर के अंदर कम से कम 10 जन उनके उन लोग घुस के हमारे सामान वन बाहर फेंक दिए और हमको बाहर निकल दिए। लेकिन वो लेडीज का इज्जत है घर में से औरत लोग को निकलने का, आदमी लोग को कोई फर्ज नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जेंट्स लोग मेरे को घर में से बाहर निकल दिए। और मैं घर से बाहर नहीं निकल रही थी, मेरा दरवाजा ब्रिजा तोड़ के कड़े लोग पकड़ पकड़ साथ में लाए थे, दरवाजा ब्रिजा तोड़ के मेरे को घर में से बाहर निकल के फेंके और सब सामान भी उन लोग ही बाहर फेंके। हमारे घर में हमारे आदमी भी नहीं थे, हमारे बच्चे गए थे स्कूल, एक ही लड़का है आदमी थे तो वो भी स्कूल गए, मैं अकेली घर में थी। मैं इतना रोई तो उन लोग नहीं माने, तो उन लोग तोड़ने के टाइम बोला उनको जो हमारा पेपर देखो मत तोड़ो, तो भी नहीं माने, वो तो भी तोड़ दिए। बोलते अगले बार आए थे पेपर दिखाए तुमको छोड़ के गए, तो ये बार भी हम तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, बोलते हम बोलते तुम चले जाओ, कहाँ जाएंगे, हम गरीब है, हम यहाँ पर ही रह रहे, जगह मिला छोटा मोटा इसके लिए रह रहे, तो आप लोग तोड़ के जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे। नहीं माने हमको घर से बाहर, बोले जाओ साहब से बात करो और हमारे घर में बुलडोजर चला दिए, दिला दिया है नोटिस है, हम लोग 2 दिन का टाइम मांग रहे थे, 2 दिन का टाइम नहीं दिया है, मात्र 2 दिन का टाइम मांग रहे थे नहीं दिया। हम लोग बोले 2 दिन का टाइम दो, हम लोग अपना कहीं बंदोबस्त करे, नहीं निकले तो निकलो, हाथ पकड़ के निकाले सामान आधा उसमें आधा बाहर। मैं बोली आप वाली बात नहीं, आपको भी बीवी बच्चा है, ऐसा नहीं है कि बीवी बच्चा नहीं, हम लोग क्या रोड पे सोएंगे बच्चा लेके।
लोगों ने बताया कि उनका सामान भी उन्हें निकालने का मौका नहीं दिया गया। ऐसे में बारिश का महीना है और लोग बेघर हो गए हैं। अब इनके समझ में नहीं आ रहा है कि जाएं कहां। लोग वहीं पर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।